वेलकम बैक। तो अभी है जी टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारी फेरी है सुबह की 11 बजे की और यहाँ से ड्राइव है 4 घंटे की। तो यहाँ से अब नाश्ता वगैरह करके तो अब हम पोर्ट के लिए निकल जाएंगे और वहाँ से फेरी लेंगे नोवा स्कॉशिया के लिए। अभी अब देखें पूरी कैंपिंग साइट जो है वो खामोशी खामोशी है और हर बंदा जो है वो सो सू रहा है और हम लोग अब बस नाश्ता वगैरह करके दूसरे कैबिन में नाश्ता बना रहे हैं। बाकी लोग जो हैं टीम के तो बस चेकआउट कर रहे हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम यहाँ से फिर निकल जाएंगे पोर्ट के लिए। तो ये जैसे ये सामने ही दूसरा कैबिन था हमारा, ये सारे वॉशरूम्स हैं साथ किचन और वो बाकी एरिया है इनका। तो बस अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी स्टे अच्छा रहा। रात को लोग कुछ लोग अल्ला गुल्ला कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, काफी शोर शराबा हो रहा था। लेकिन हम लोग क्योंकि थके थे तो बस लेटते ही नींद आ गई और सुबह उठे हैं फिर। और बड़ा प्यारा मौसम है, बारिश वारिश हो रही है और बड़ा प्यारा व्यू दे रहा है ये कैंपिंग एरिया सारा। ऊपर सामने आप देख रहे हैं बादल हैं और वो बड़ा जबरदस्त जो है वो सीन क्रिएट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोगों का क्योंकि कल ऑफिस है तो उस वजह से यही है कि अब जल्दी वापस पहुंचा जाए सो दैट कल से जॉब स्टार्ट की जाए। तो इस वजह से था, अदरवाइज तो कुछ लोगों का प्लान यही था कि यहाँ पे अभी एक आधा दिन और रुक जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अच्छा रहा, मजा आया और अच्छा समर ट्रिप हो गया, अच्छी आउटिंग हो गई है। अच्छी प्लेस है, अगर आप आ सकते हैं तो आना चाहिए। मेमोरेबल ट्रिप है, यहाँ की ग्रीनरी और नेचर जो है ना बहुत जबरदस्त है। आपको आप ये सीनिक ब्यूटी यहाँ के एंजॉय करते हैं। बहुत जबरदस्त ड्राइव है यहाँ की और बहुत जबरदस्त जगह है यहाँ पे। और ये हम लोग जगह जगह पे रुक के फोटोग्राफी कर रहे हैं क्योंकि सीन्स रास्ते में बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। वो काफी जगहों पे हमें ब्रेक्स लगानी पड़ी है। लेकिन ये है कि क्योंकि टाइम थोड़ा था तो उस वजह से ज्यादा देर नहीं रुके, लेकिन बस फोटोग्राफी के लिए थोड़ी थोड़ी देर ब्रेक्स लगा रहे हैं और फिर आगे जाते जा रहे हैं। तो उसमें थोड़ा क्योंकि हमने 11 बजे तक पहुंचना है और अगर वहां पे ना पहुंच सके टाइम से तो वो फिर वो क्रूज मिस कर लेंगे और फिर जो नेक्स्ट क्रूज है वो मेरे ख्याल में नेक्स्ट डे चलेगा। तो उस वजह से बहुत सारे लोगों का जो है वो छुट्टी का मसला है। तो अभी तो क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड था तो ओवरऑल उस वजह से ये ज्यादा लोग आ गए और अच्छा ट्रिप रह गया। तो ये देख रहे हैं आप जगह जगह पे हम लोग रुक रहे हैं, ब्रेक्स मार रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे भी फोटोग्राफी की है, फोटोग्राफी स्किल्स जो है उनको ट्राई कर रहे हैं। और जो है अब यहाँ से जो है ये आगे वो टेबल लैंड का सारा एरिया है और ये बहुत ही जबरदस्त व्यू दे रहा है क्योंकि एक तो सुबह का टाइम है, ऊपर से ये क्लाउड्स हैं और अमेजिंग व्यू है। मतलब इसको मैं वर्ड्स में बयान ही नहीं कर पा रहा, इतना जबरदस्त व्यू था। और यहाँ पे आगे जो है ये यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, वो बड़ी जबरदस्त व्यू देती है। गुजरते हुए जब कल गुजरे हैं तो उस टाइम पे बड़ा प्यारा व्यू आया था उसका। थोड़ा दूर है लेकिन उसका भी बड़ा जबरदस्त और डिफरेंट व्यू था। अब ये देखें, ये इतना जबरदस्त व्यू है, लाइक आगे क्लाउड्स हैं, माउंटेन और अमेजिंग। मतलब नेचर जो यहाँ पे है ना बहुत ही जबरदस्त है न्यूफाउंडलैंड की। अभी तो टाइम थोड़ा था और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो कि रह गई हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ये ट्रिप बहुत जबरदस्त रहा है। 3 दिन लगे हैं इस पूरे ट्रिप में। और लेकिन जैसे वो थोड़ा सा वेदर की वजह से मिस कैलकुलेशन हो गई, वो सामने थी वाटरफॉल, अमेजिंग, बहुत जबरदस्त है वो भी। तो वो हो गई, अदरवाइज प्लान अच्छा था हमारा।
और वैसे भी ठीक रहा ओवरऑल। ये देखें, ये क्लाउड्स हैं और सामने से सूरज निकल रहा है अभी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो बहुत ही जबरदस्त ये जो है ना व्यू है। और उसके बाद अभी ये एक सेक्शन है न्यूफाउंडलैंड का, अभी जो दूसरा सेक्शन दूसरी साइड पे है, जैसे सेंट जॉन वाली साइड है या वो सारा एरिया है, वो बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं हम कर सके अभी। ये एक वो सेंट जॉन के पास ही है जहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह हैं, तो उस एरिया को भी अभी टच नहीं कर सके क्योंकि वो वहां से दूर है। लाइक नोवा स्कोशिया से जब आप क्रूज लेते हैं तो वो वहां पे 16 घंटे लगा के आप पहुंचते हैं, और यहाँ पे पोर्ट ऑक्स पे ये हमें 8-9 घंटों में लेके आया था। तो ये चेक करें, फॉगी है और यहाँ पे हम स्लो हो गए थे थोड़ा, लेकिन ओवरऑल जो है एंजॉयबल था ये। कंपनी भी मैटर करती है डेफिनेटली बहुत सारी जगहों पे, लेकिन आप यहाँ पे आएंगे तो मेरे ख्याल से आप इसको एंजॉय करेंगे अगर आप नेचर लविंग पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें बहुत जबरदस्त नज़ारे हैं, यहाँ पे एक से बढ़ के एक नज़ारा है। तो जो है आप अगर इसको अच्छे तरीके से प्लान करेंगे तो आप बहुत जबरदस्त एंजॉय करेंगे इसको। नहीं जी, यहाँ पे रेन भी नहीं है, फॉग भी नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला सारा एरिया आपको जो है ना ड्रोन से दिखाते हैं, होपफुली आप इसे भी एंजॉय करेंगे। आपको ये अच्छा लगा होगा। अब ये है कि हमें गाड़ी भगानी पड़ेगी क्योंकि अभी डिस्टेंस काफी है और टाइम थोड़ा है, और ये है कि हमें 11 बजे से पहले वहां पे पहुंच के चेक इन करना है। ये ना हो कि फिर क्रूज चला जाए और ना हम उधर करें ना इधर करें। और सारा एरिया बहुत जबरदस्त है, चाहे ये वाला डियर लेक का एरिया है या चाहे टेबल लैंड का है, चाहे ग्रॉस माउंड का है, कोई भी एरिया है, पूरा न्यूफाउंडलैंड बहुत जबरदस्त है। अब हम कहाँ कहाँ पे रुकते और कहाँ कहाँ पे पिक्चर्स बनाते, तो इसलिए यहाँ पे आके अब हमने गाड़ियाँ खींचनी शुरू कर दी हैं। यहाँ पे फिलिंग के लिए रुके थे तो ये बाइकर्स मिल गए, इनके साथ अच्छी गपशप रही है क्योंकि हम लोग वापस जा रहे हैं और ये लोग अभी आगे जा रहे हैं, तो बड़ा जबरदस्त रहा इनके साथ। और ये देखें बहुत ही प्यारा है ये सारा, बहुत प्यारे व्यूज हैं। तो अब हम तकरीबन पोर्ट ऑक्स के पास पास पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि वीलॉग अच्छा लगा होगा आपको। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीलॉग में मिलते हैं। ओके बाय।